अभी मैं जगी हुई हूँ। टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं और मेरी नींद खुल गई है। और मैं मम्मा के साथ थोड़ी थोड़ी मस्ती करूंगी, है ना? करोगे ना मस्ती? नींद से लेके ना तो बिल्कुल मूड नहीं हो रही है। अब इसकी नौटंकी दिखाती हूँ। इसने बेड पे देखा जैसे रोना स्टार्ट किया। मैं इसकी बहुत बड़ी वाली नौटंकी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप देखना। ये रो रही है ना, देखो ऐसे करती है ना, रो रही है। और मैं इसके हाथ पे दबाऊंगी फिर चुप हो जाएगी। मसाज कराऊंगी। अच्छे से मसाज करे मम्मा आपकी, बिना मसाज के मजा नहीं आता। रही हमारे शौक है हमारी सजादी का, है ना? आप फिर से देखो वापस रिएक्ट करेगी। अरे ना फिर से ना क्विकली चुप हो जाएगी। ओ बेटो, ओ मसाज कर रही है, बेटी की मसाज कर रही है। हाँ मेरी बेटी की मसाज हो रही है। इतना पसंद है आपको मसाज कराना हमारी डिगली को। देखो हाथ पे दबाओ इसकी इसकी मसाज। लो मम्मा मसाज करो, अच्छे से करे आपकी मसाज। ठीक है ठीक है जी, ठीक है ठीक है जी, ठीक है ठीक है जी, ठीक है ठीक है जी। जाने हैं मम्मा की पोश तान है। हाथ पे बस दबाते जाओ इस नौटंकी की, इस पूरी पूरी नौटंकी की। और ये मेरे बाल बहुत छीन खींचती है, तो मैं हमेशा बालों को फोल्ड ही रखती हूँ। अब इसका टाइम है सो की जगह है ना, तो मैं इसको फीड करवाती हूँ। मेरी बीबी को भूख लगने लग गई, मेरे शिवी को भूख लग रही है। अब ये करेगी फीड, मैं फीड करा के फिर आपसे मिलती हूँ। स्टार एप्पल, ये जो ब्लैक कॉन्ट्रास्टिंग है ना फ्लैश कार्ड होते हैं ना, बच्चों के लिए अच्छे होते हैं। तो इन इन इस टाइम पे जो बच्चे होते हैं उनको मतलब ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देता है। तो मैं इस टाइप से ना इसको लेटा देती हूँ और इसके साथ है ना थोड़ी देर के लिए जरूर मैं ये वाली एक्टिविटी करती हूँ, जो कि बहुत अच्छी आप कर सकते हो। पता हो ये अभी जो मैंने यहाँ पे इसके नीचे लगा रखी है ना, वो ये देखने की कोशिश कर रही है। बाबू देखो शिवी क्या है मम्मा के पास। देखो इसकी है ना आईज बच्चों की ना रोटेट करती है। अब जिधर लेके जाओगे नेक को देखो, इसका नेक का मूवमेंट प्रॉपर हो रहा है। ये देखो जिधर मम्मा लेके आ रही है। इस टाइम पे क्या होता है बच्चों के जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब एक स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट बच्चा है ना इतना गौर से नहीं देखता, जितना मूविंग ऑब्जेक्ट होता है ना मूव करते रहोगे ना बच्चों की आईज मूव करती रहेगी। तो इस तरीके से मैं इसके साथ ये एक्टिविटी करती हूँ। कभी कभी ये है ना जब टमी टाइम के मूड में होती है तो मैं टमी टाइम देती हूँ फिर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सोच रही थोड़ा सा ऐसे टमी टाइम के साथ ही एक्टिविटी करवाती हूँ। हाँ करोगे करोगे? तो कोशिश करते हम इसका मून के ऊपर डिपेंड करेगा। पहले मैं इसके आगे एक प्लस कार्ड लगा देती हूँ, फिर देखती रहेगा तो खुश रहेगी। हाँ वेजिटेबल्स कट कर लेती हूँ, तो मैं साइड बाई साइड अपना काम भी करती जाती हूँ और इसके साथ हमारा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड होता रहता है। और अभी सर्दी स्टार्ट हो गई तो मैं इस टाइम पे जिसको है ना कोकोनट ऑयल तो नाइट में नहीं लगाती। नाइट में मैं इसके लिए यूज में जो ऑयल ले रही हूँ ना वो हिमालय का बेबी मसाज ऑयल जो आता है वो यूज में लेती हूँ। और इवनिंग में मैं इसकी मसाज जरूर करती हूँ, कुछ भी हो जाए मतलब सोने से पहले मैं इसकी मसाज, तो मेरा एक पार्ट है कि हाँ भाई इसकी मसाज करनी है इनकी मसाज हमें, तो मैं मसाज करती हूँ यहाँ पे। कीजिए बच्चों को बहुत अच्छी वाली नींद आती है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो कि आपको लगता है कि सर्दी में नहीं करनी चाहिए, तो ये जो पार्ट्स होते हैं ना बच्चों के सोने से पहले ये और ये आप जरूर मसाज कीजिए। आप देखोगे आपका बेबी बहुत अच्छी नींद सोता है।
तो मेरा तो ये डेली का पार्ट है जो मैं करती ही करती हूँ इसके साथ। और ये सोचिए ना, जब जाके मेरे खाने की टूटी लगती है जो बहुत बेकार लगती है यार, मैं ट्राई करती हूँ कि जो इवनिंग का टाइम होता है ना उसमें मैं इसको जगा के रखूँ कैसे भी करके। खाना जब ये आते हैं ना तो हम लोग मिलके बना लेते हैं, बट इवनिंग में मैं इसे मोस्टली है ना जगा के रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जगती रहती है ना तो रात को ये बहुत अच्छी नींद सोती है, बस फीडिंग के लिए ही जगती है, ऐसे नहीं जगेगी, मुझे परेशान नहीं करती ना, नहीं करते ना बिल्कुल भी। और यहाँ पे मैंने इसे फीड करवा दिया है, फीड के बाद में बच्चों को बाहर दिलाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना बेटा। चिकू चिकू, मुझे ऐसा लगता है एक माँ का माँ बनने के बाद में मोस्टली टाइम उसके बेबी के साथ ही निकलता है। जब वो जग रही होती तो उसका पूरा टाइम वो ही ले लेती है। यहाँ पे मैंने इसकी है ना ड्रेस चेंज कर दी, मसाज करने के बाद मैंने इसे फीड करवाया था, फीड करा के मैंने यहाँ पे इसकी ड्रेस चेंज कर दी और ये रो रही थी बीच में, मैं इसे चुप भी करा रही हूँ। कभी कभी ये सपोर्ट करती, कभी बच्चा नहीं करता, हर तरीके का बच्चे की आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में रोते हुए, देखो मन खराब हो जाता है जब बच्चे अपना रो रहा होता है ना, और ये भी चुप नहीं हुई, रो ही रही है। और जब ये रोती रहा मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता कुछ भी करने का, मैं खाना तो बनाना ही पड़ता है। से बाहर घूमना है, गोदी में नहीं रहना, जाओ घुमाओ। अरे पापा पापा, मेरी रोटी जल जाएगी। पापा बेटा पापा, और ये आप ही रोने लग गए बच्चों, क्या हुआ? हम चुप हो गए। जाए पापा के पास, पापा के पास रह लोगे ना, रोते नहीं है ना, प्यारा सा बच्चा। सीधे के आती हूँ। यहाँ पे मैंने रोटी बना ली और लास्ट की जो रोटी बचती है ना उससे पहले मैं क्लीनिंग करना स्टार्ट करती हूँ। रोटी सिक रही होती है और साथ के साथ मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। सुबह मैं अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, रात को मैं नॉर्मल वाली क्लीनिंग करती हूँ। अगर गैस ख़राब हो जाती है, गंदी ज़्यादा होती तो फिर मैं डीप क्लीन भी कर लेती हूँ। डिपेंड करता है मतलब स्लैब कितनी ज़्यादा गंदी है, तो इससे ना मेरा टाइम भी सही हो जाता है और जो एक्स्ट्रा टाइम मुझे देना होता है ना वो मेरा बच जाता है। अब क्या है कि हमको थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना ही पड़ता है कैसे ना कैसे मैनेज करके, वरना दो बच्चों के साथ बहुत पॉसिबल टास्क हो जाता है, आप नहीं समझ सकते। और बच्चा एक छोटा होना तब तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा होता है। तो बस मैं यहाँ साथ के साथ रोटी बनाने के साथ मैंने सैलेड भी कट कर लिया था और यहाँ पे मैंने ना स्लेब भी क्लीन कर रही हूँ। पहले मैं कपड़े से ऐसे ही क्लीन कर रही हूँ नॉर्मली, उसके बाद में मैं क्या करूँगी गीला कपड़ा करके उसे अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ। तो इस तरीके से मैं साइड बाई साइड ये भी काम कर लेती हूँ, तो मेरा जो एक्स्ट्रा टाइम जा रहा होता है ना वो बच जाता है यहाँ पे। एंड आप लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे हो बच्चों के साथ, कुछ टिप्स दीजिए। और मेरे को तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है दो बच्चों के साथ सब कुछ मैनेज करना, इतना प्रॉपर नहीं हो पा रहा, कुछ ना कुछ मेरा छूट ही रहा है। एक बच्चे को संभालते दूसरा बच्चा छूट जाता है, दूसरे को संभालती तो ये वाला रोने लग जाता। मतलब एक प्रॉपर सेटअप नहीं कर पा रही, मतलब आप बोल सकते हो कि मैनेजमेंट बिठाने में भी थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। शायद मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगी, एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है। एंड उसके बाद में हम लोगों ने खाना खा लिया था, खाना खाने के बाद में मुझे सीवी को सुलाने का टाइम हो जाता है और 8:30 9 o'clock के बीच में मैं इसे सुला देती हूँ। पर सुलाने से पहले मैं थोड़ी देर से बाहर लेके आती हूँ, फ्रेश एयर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अगर आप बालकनी में आप बच्चों को ले जाइए सोने से पहले तो उन्हें बहुत फ्रेश फील होता है, अच्छा फील होता है। और उसके बाद में आप बच्चों को सुलाते हो ना तो बच्चों को नींद बहुत बहुत अच्छी आती है। तो मैं ये ज़रूर इसको है ना सोने से पहले थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने के लिए ज़रूर लेके आती हूँ। अभी विंटर स्टार्ट हो गई तो मैं जब तक हो सकता है ज़्यादा सर्दी नहीं होगी तब तक मैं ज़रूर लेके आऊँगी, और जिस दिन लगेगा नहीं तो उस दिन नहीं भी लेके जाऊँगी। और सोने से पहले इसका जो नाइट फीड होता है, नाइट फीड किया मैं इसे सोने से पहले फॉर्मूला फीड कराती हूँ। तो बस आज इसके पापा की ड्यूटी लगी हुई है, यहाँ पे इसके पापा इसे फीड करवा रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, दूध पिलाने के बाद में इसे थोड़ी सी बातें कर रहे हैं और बस उसके बाद में इसका सोने का टाइम हो जाता है। तो खुद से नहीं सोती ना तो मैं खुद भी ट्राई करती हूँ कि इसको सुला दूँ। तो मैं यहाँ पे गोदी में लेके बैठी हुई हूँ और इसे हिलाते हिलाते सुला रही हूँ कि हाँ भाई ये सो जाएगी ना प्रॉपर टाइम पे, क्योंकि हम लोगों को बच्चों का रूटीन खुद को बनाना होता है। तो बस मेरे यहाँ पे दोनों बच्चे सो गए हैं और इस तरीके से मेरी इवनिंग का डे रहता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर लाइक करना।